हेलो गाइस, कैसे आप सब? आप सब कौन न्यू गेम प्ले वीडियो में इस गेम प्ले की बात करें तो इस गेम प्ले में हम करने जा रहे थे अपना डेड आई चैलेंज मीन्स टाइटल। तो इसमें आपका ये होता है कि आपको सोलो में प्लेटिनम होना चाहिए, और प्लेटिनम होने के बाद इसमें आपको 3 किल करने होते हैं, वो भी लगातार बैक टू बैक, वो भी 50 मीटर से दूर बंदों को मारना पड़ता है, वो भी हेड शॉट के साथ, 1 टैप 1 किल। तो ऐसा करने के लिए मैं उतर जाता हूँ यहाँ पे लिपोके की साइड की, मुझे स्नाइपर मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं उतरता हूँ, पर ये बहुत मेरी बड़ी गलतफहमी होती है, यहाँ पे मुझे एक भी स्नाइपर नहीं मिलती है लिपोका में। एक स्नाइपर तो दूर की बात, मुझे एक बंदा भी नहीं, बंदा तो दूर की बात, एक बोर्ड भी नहीं मिलता। तो मैं वहाँ से निकल के यहाँ मिल्टा पावर की साइड आया था कि मुझे यहाँ बंदे मिलेंगे, उनको मार के लूँगा, लेकिन बाहर पर कोई बंदा दिखता नहीं है, इसलिए मैं फिर बिना रिक्स लिए यहाँ पर चल पड़ता हूँ। मैं थोड़ा ड्रॉप लूटूंगा, ड्रॉप में आराम से गन मिलेगी, स्नाइपर मिल जाएगी, एडब्ल मिलेगी, उससे आसानी से मार दूँगा। अब यहाँ पे प्रिजन की साइड एक ड्रॉप गिर रहा होता है, जिसको लूटने के लिए मैं इधर आ जाता हूँ, ये सोच के कि इसमें एक स्नाइपर मिल जाएगी AWM, तो आसानी से मैं मार दूंगा बंदों को। लेकिन ये मेरी गलत फहमी होती है, आप ध्यान से देखना इसमें मुझे क्या मिलता है। अब यहाँ पे मैं उतरा, जिसको उम्मीद नहीं थी वो गन मिली मुझे, यहाँ पे ग्रोजर मिल चुकी है मुझे। अब मैं क्या करूँगा, अब यहीं पर मैं ग्रोजर लूट रहा होता तो एक बग्गी वाला भी घूम रहा होता सामने सामने, तो मैं सोचता हूँ उससे पहले फाइट लूँ, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है एक और ड्रॉप लूटूंगा, कहीं 23 बंदों से मारी तो दूंगा 3 बंदे। तो यहाँ से मैं वापस से निकल पड़ता हूँ। अब वहाँ से भी यहाँ निकल के मैं एक स्क्वाड हाउस में आ जाता हूँ कि ये सोच के यहाँ पे मुझे स्नाइपर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलता है। अब देखते रहना आप, और मैं यहाँ पे बहुत लूट रहा होता हूँ, बहुत घरों को लूटा कि स्नाइपर मिलेगा। अब देखते देखते अलाइव भी बंदे बहुत कम रहते हैं, नौ ही बंदे रहते हैं, मुझे वो लगता है कि मैं कैसे करूँगा वाला मिशन। अब घूमता फिरता मैं यहाँ पे यशनाय में आ जाता हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे आके एक दिमाग में ख्याल आता है कि मेरा डेडाई तो हो नहीं पाया, लेकिन बंदे भी कम है और मेरे किल भी 0 है, तो क्यों ना मैं इसमें स्पेसिफिक कर लूँ, क्योंकि उसमें भी 0 किल टाइटल होता है, तो टाइटल करना थोड़ा भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि 9 बंदे अलाइव हैं तो थोड़ा रिक्स देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सारी गन हटा के सिर्फ नेट और मॉली और स्मोक रख के यहाँ पे वाला टाइटल करने निकल पड़ता हूँ। कुछ देर छोटा जोन भी हो चुका था, तो कुछ देर यहाँ पे AK सब चल रही थी, तो मैं कुछ देर यहाँ आके बैठ जाता हूँ इस वाले घर में कि बंदे मुझे देख ना पाए। अब यहाँ पे मैं वेट कर रहा ही होता हूँ कि वहाँ पे बंदे लड़ाई कर रहे होते हैं, MK होती है किसी के पास M249 होती है, तो यहाँ पे मैं नीचे कूद जाता हूँ। अब नीचे कूदने के बाद मैं कुछ लूट करने लग गया कि ये सोच के कि कोई बंदा मेरे साथ अगर टीम अप हुआ तो चलो बचा देगा, अगर नहीं हुआ तो मैं हिल बैटल तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे हिल उठाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि बच जाऊँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इस घर में आता हूँ, तो एक बंदा मुझे यहाँ पे देख लेता है, जो कि मुझे AKM से मार रहा होता है बार बार। अब देख ही सकते हैं उसने सामने एक मौली भी फेंकी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा घर के बाहर आ गया, उछलने की कोशिश करता हूँ उसके सामने कि मैं सर वो टीम अप कर ले, लेकिन वो वहाँ से हिलता ही नहीं है अपना टीम अप के लिए। वो आपको सोलो में ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है टीम अप करना, अगर आप किसी बंदे से टीम अप कर लोगे तो आपको अगर वो अच्छा बंदा है तो जिता देगा, क्योंकि BGMI में ऐसा है कि आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें डैमेज भी ज़्यादा है। अगर आपको उसने गेंद के 5 गोली भी हेड में मार दिए AKM बैरल की, तो आप मारे जाओगे आपको, तो इसलिए आपको टीम अप करना सबसे अच्छा होता है। अगर आप अपने दम पे करना चाहते हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अपने दम पे मुश्किल होगा थोड़ा करना। यहाँ पे देखते रहना मेरे साथ क्या होता है आगे आके। और यहाँ पे मैं वॉल के पीछे कवर लेके बैठा होता हूँ, तो मुझे पता नहीं कहाँ से VSS पड़ती है, उस बंदे का एम अच्छा नहीं था इसलिए वो मुझे मार नहीं पाया। तब भी मैं उसके सामने उछलने की कोशिश करता हूँ कि वो मुझे ना मारे, लेकिन वो मुझे देख नहीं पाता है, पता नहीं क्या करता है, इसलिए मैं उससे बच के जल्दी से वॉल के पीछे आके हील करने लग जाता हूँ। मुझे डर था कहीं मुझे अपार्टमेंट वाला बंदा ना मार दे, जिससे मैं थोड़ा क्राउच भी कर जाता हूँ कि आराम से कर लूँ। अब जोन तो चलो सही था, जोन मेरे आसपास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, पर ये डर था कि मैं तो गन नहीं चलाऊँगा, सामने वाले बंदे गन चलाएंगे, तो इसलिए मैं मारा जाऊँगा, तो ये डर लगा हुआ था। अब बंदे भी 4 अलाइव थे, ज़्यादा बंदे भी नहीं थे, तो मैं इनको आसानी से वो कर सकता था, सरप्राइज कर सकता था। थोड़ी देर रुकने के बाद मैं यहाँ वॉल के पीछे आ जाता हूँ, यहाँ पे जोन भी आ रहा था, तो मैं जल्दी से यहाँ से जोन से निकल ही रहा होता हूँ, मुझे यहाँ पे सरप्राइज निकलेगा। ये बंदा गरम गया समय से मार लिया, मैं इसके सामने, मुझे इसने खा ही लिया था, मैं इसके सामने उछला तो इसने मुझे मारना बंद कर दिया। अब यहाँ पे गलती से मेरे से हील में टच हो जाता और कैंसिल का बटन दबी नहीं रहा था, मैं यहाँ पे मर सकता था, लेकिन बच गया। एंड वॉक में मैंने जल्दी से कैंसिल कर दिया और यहाँ पे बैठ के आराम से हील लगाने लग गया। अब जोन में सिर्फ 3 बंदे बाकी थे, एक मैं और एक मेरा जो फ्रेंड नया बना है इसमें हॉल में, तो ये और एक और बंदा कोई एनिमी था। मैं इससे हॉल में बात करने की कोशिश करता हूँ कि हेलो भाई मुझे जिता दे, मैं जिता दे, पता नहीं ये सुनता है क्या करता है, समझ में नहीं आता मुझे।
अब यहाँ पे ये बंदा टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहा था उस बंदे को मारने के लिए, देखिए आप कैसे। पर यार इस बंदे ने मेरी थोड़ी मदद करी है, इसको शुक्रिया है एक तरफ से, थोड़ा इसने मुझे बचा के रखा है बंदे। अगर वो नहीं तो मेरे पर उसने दो समझ के रस्म किया, उसने सोचा दूसरा बंदा भी है, दोनों एक साथ में स्प्रे देंगे मर जाएंगे। लेकिन उसको पता नहीं था मैं जीरो किल चैलेंज कर रहा हूँ, तो इसने थोड़ा मुझे मेरी मदद करी। यहाँ पे वो बंदा हमारे जस्ट नीचे था और हम दोनों उसके ऊपर। अब गलती से मेरे से ऐसा हो जाता, मैं इसको पता नहीं प्रोन का बटन दबाता हूँ, ये नीचे चल जाता है एकदम से। तो ये होता कैसे मुझे समझ में नहीं आया, इसके वजह से यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो एक के माला इसको मार देता है और यहाँ पे मुझे डर लगता है कि मैं मारा जाऊँगा वाला अगर ऊपर आ गया तो। लेकिन वो ऊपर आता नहीं, हो पता नहीं क्या नीचे कर रहा होता है। यहाँ पे जोन भी आ जाता है जल्दी से, अब देखना उसको क्या करेगा। वो मेरा कूदने का इंतजार कर रहा होता है, तब तक मैं हील भी लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं मर ही जाता लेकिन बच गया। और इसे देखिए यहाँ पे आराम से मुझे देख रहा है, यानी कि हील लगाऊँ। अब ये बाद में हील लगाता है इसलिए मारा जाता है। और यहाँ पे मुझे मिल गया चिकन डिनर। आई होप आपको ये गेम प्ले पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर दिया तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर देना, ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जैसे प्रेस कर देना कि आपके पास सबसे पहले आता है। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मुझे मिला या ना मिला, तो आप देखते रहना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मिल चुका है फिर चिकन डिनर वाला टाइटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया इसका। चलो भाई आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।